Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 5 that is organizing. Organizing का मतलब क्या होता है? Organizing का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ों की जुड़ने की बात होती है. मतलब planning हम लोगों ने पिछले chapter में consider किया था कि planning का मतलब क्या होता है, deciding in advance क्या करना है, कैसे करना है, ये सब जब एडवांस में डिसाइड कर लें तो वो कहलाती है प्लानिंग. और ऑर्गेनाइजिंग असेंशियली इम्प्लाइज एक ऐसी प्रोसेस है जो कोऑर्डिनेट करेगी. ये कीवर्ड हो गया आपका, किसको? ह्यूमन के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेगी, असेंबल करेगी रिसोर्सेस को और दोनों को इंटीग्रेट करेगी, एक चीज़ बनाएगी जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे. मतलब पहला कीवर्ड हो गया आपका कोऑर्डिनेट करेगी. कोऑर्डिनेट करेगी किसको? ह्यूमन के एफर्ट्स को. और दोनों और असेंबल करेगी क्या? रिसोर्सेस को. और दोनों ही चीज़ों को, बोथ चीज़ों को जब मिक्स कर देगी तो उससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा. ये है पहली आपकी मीनिंग. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान. अब मैंने एक प्लान बनाया, उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ. बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, जॉब्स दी मैंने, लोगों को बताया कि आपको ए पार्टी से रिपोर्ट्स लेनी है और बी पार्टी को रिपोर्ट सबमिट करनी है. रिलेशनशिप क्लियर हो गया. एंड इफेक्टिवली डेवलपिंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट गोल्स. और गोल्स को फिर मैंने आइडेंटिफाई किया. अकॉर्डिंग टू मी नंबर वन जो आपकी डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो ज़्यादा ईजी है कि कोऑर्डिनेट करोगे किसको? ह्यूमन के एफर्ट्स को, नंबर वन. असेंबल करोगे रिसोर्सेज को और दोनों की हेल्प से आप क्या बनाओगे? एक ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करोगे जिससे आपका अचीवमेंट, जो आपका गोल है वो क्या हो जाएगा? वो ईजी रहेगा. ये तो थी आपकी उसकी बात, मीनिंग की बात, डेफिनेशन की बात. अब आ जाते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. स्टेप्स में क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले ये ढूंढना, आइडेंटिफाई करना. क्या आइडेंटिफाई करूँगी? कि जो मुझे काम करना है उसको आइडेंटिफाई करना. 50,000 यही रहेगा मेरा टारगेट और 90%, ये दो टारगेट बनेंगे. 50,000 के यूनिट्स की अगर मुझे प्रोडक्शन करनी है तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन. और फिर उसको मैंने छोटे छोटे बल्क में डिवाइड कर दिया, 10 10, तो ये हो गई मेरी, क्या हो गई, मैंने इसको डिवाइड कर दिया. तो ये हो गई डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड देन डिवीजन. उसके बाद जो सेकेंड, ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया. सेकेंड जो मेरी प्रोसेस होगी दैट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब इनके डिपार्टमेंट्स बना दूंगी छोटे छोटे, जैसे कि डिवाइड कर दिया मैंने, उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट्स बना दिए. डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी, देन दोज एक्टिविटी विच आर सिमिलर इन नेचर. जैसे कि परचेज वाली सारी एक तरफ, सेल्स वाले डिपार्टमेंट के सारे एक तरफ, फंक्शनल डिपार्टमेंट एक तरफ, इन सब की जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको एक बना लिया. सेकेंड के बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट सेज अब मैंने ड्यूटी असाइन कर दी सबको, अलग 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 डिस्ट्रीब्यूट करके ड्यूटी असाइन कर दी. और ड्यूटी असाइन करने के बाद फिर क्या किया मैंने? रिपोर्ट रिलेशनशिप करी. रिलेशनशिप मतलब इसको आपको ए को ऑर्डर्स देने हैं और बी से आपको ऑर्डर्स रिसीव करने हैं. इसको आप देंगे और इससे आप ऑर्डर रिसीव करोगे. ये दोनों चीज़ें. अब पूरी प्रोसेस का क्रक्स क्या निकला? सबसे पहले क्रक्स में सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो आएगी कि ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाई किया मैंने और डिवाइड किया वर्क को. उसके बाद डिपार्टमेंट्स बनाए, डिपार्टमेंट बना के जो सेम थे उनको एक तरफ किया. फिर ड्यूटीज़ बांट दी. ड्यूटीज़ बांटने के बाद बता दिया, भाई तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हें इससे लेनी है, इसको देनी है, अपनी ड्यूटी संभालो. ये सब करना इज़ ऑर्गेनाइजिंग. आई होप ये क्लियर हो गया हो, अदरवाइज़ आप लोग इससे रिलेटेड डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं.
इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी, ऑर्गेनाइज मतलब मैंने डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिवीजन ऑफ वर्क करते ही मैंने जब आपको ये वाले चैप्टर्स में कराया था चैप्टर नंबर 2 में, तो मैंने डिवीजन ऑफ वर्क का एक टॉपिक बताया था जिसमें स्पेशलाइजेशन आता ही आता है। तो स्पेशलाइजेशन किससे आया? ऑर्गेनाइजिंग से आया, क्योंकि हमने वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अब अगेन वही, जब मुझे क्लियर होगा मुझे इस इंसान से अपने ऑर्डर्स लेने हैं, इस इंसान को देने हैं, तो मैं क्या करूँगी, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और मुझे क्लैरिटी मिलेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे रिलेटेड। उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड है, रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होगा। अब रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे प्रॉपर तरीके से होगा, आप लोगों को पता है यहाँ पे ना एक्सेस चीज़ की मटेरियल पड़ेगा ना शॉर्टेज पड़ेगी, दोनों ही चीज़ें हम लोगों ने ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग में भी करा था, रिविजन करते रहा करो साथ साथ। तो प्लानिंग के अंदर भी हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब मैंने प्रॉपर, मुझे पता है इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है और इसी हिसाब से मटेरियल आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो आपकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो ना तो कमी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट सेज एडप्टेशन टू चेंज। वहाँ पे भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो प्लानिंग है वो आपको नहीं वर्क करती ना डायनामिक एनवायरनमेंट। एडप्टेशन टू वर्क, एडप्टेशन टू चेंज, एडप्टेशन टू चेंज क्या कहता है, ये अलाउ करता है एक बिजनेस को टू एकोमोडेट चेंजेस, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी सूटेबल मॉडिफाइड एंड द रिविजन ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग मैनेजरियल लेवल टू पे द वे फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन। क्या लिखा है ये, इतनी सारी चीज़ें पढ़ दी मैंने। एडप्टेशन को टू चेंज का मतलब नॉर्मली कहा गया है कि चेंज होने में हेल्प करता है। हम ऑर्गेनाइजिंग में स्मूथ लेवल के वर्क के लिए हम लोग ऑर्गेनाइजिंग ऑप्ट करते हैं, जो कि हमारी हेल्प करती है किसमें, चेंज में वर्क करने में। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, ऑर्गेनाइजिंग एक क्लियर डिस्क्रिप्शन जॉब का दे रहा है जिससे मुझे रिलेशनशिप क्लियर हो गए, इससे मैं वर्क बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। तो इससे मेरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, अच्छी होगी। प्रॉपर क्या होगी, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होगा, इससे मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ज़रा वीडियो को पॉज करो और बताना ज़रा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब रिवाइज करो ज़रा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या है, एक ह्यूमन बीइंग की जो ह्यूमन एफर्ट्स डाल रहा है उसकी डेवलपमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिल रही है, स्पेशलाइजेशन, दैट इज़ द रीज़न पर्सनल क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ग्रोथ होगी आपकी, ग्रोथ होगी ना, ग्रोथ कैसे होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहा है तो पर पर्सन, पर इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी, और जहाँ इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, इन सबको रिविजन करके रखना। तब तक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। Be happy and stay tuned.